कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। हालांकि इसको देखते हुए भारत लगातार सतर्कता बरत रहा था, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत में भी ओमिक्रॉन के दो मरीज सामने आ गए हैं। जी हां, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी पहुंच गया है। देश में इसके लिए पहले दो केस कर्नाटक में मिले हैं। इनमें एक की उम्र 46 और दूसरे की 66 साल है। हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की आशंका है। यह 5 गुना तक ज्यादा संक्रामक हो सकता है। अब तक ओमिक्रॉन के 29 देशों में 373 केस मिल चुके हैं। भारत को जिस चीज का डर था, वो घड़ी आज सामने आ गई है। खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत जिस तरह से सचेत था, लेकिन उसके बावजूद भी ओमिक्रॉन ने अपनी जद में भारत को भी ले लिया है, जिससे आम जनता के साथ साथ भारत सरकार की नींद भी उड़ गई है। ICMR के DG बलराम भार्गव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की बनाई गई 37 लैब में संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। इनमें कर्नाटक के 2 सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूकता बेहद जरूरी है। इससे संक्रमित सभी मामलों में अब तक हल्के लक्षण पाए गए हैं। देश और दुनिया भर में अब तक ऐसे सभी मामलों में कोई गंभीर लक्षण नोट नहीं किए गए हैं। WHO इस पर स्टडी कर रहा है। देश में इंटरनेशनल फ्लाइट से लौटने वालों का RT-PCR टेस्ट करने की गाइडलाइंस लागू होने के बाद बुधवार को मुंबई में 3 पैसेंजर पॉजिटिव मिले। ये पैसेंजर मॉरिशस और लंदन से लौटे थे। इसके अलावा मंगलवार को आइसोलेट किए गए एक विदेशी यात्री की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी बुधवार को पॉजिटिव आई है। इन 4 नए मामलों के साथ ही अब मुंबई में नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के संदिग्ध केस की संख्या 5 हो गई है। इन 4ों के सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। भारत में मिले ओमिक्रॉन के 2 मामले से जहां आमजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि नए वेरिएंट के पाए जाने से सरकार किस तरह से इसको रोक पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, V News। गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।